हेलो माय यूट्यूब फैमिली राधे राधे जय श्री कृष्णा तो फ्रेंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं कि भारी से भारी कंबल को आप वॉशिंग मशीन में बिना मेहनत और बिना झंझट के कैसे धो सकते हैं तो देखिए है, सबसे पहले पानी को भर लेना है मशीन में और उसके बाद जो भी आप सर्फ यूज करते हैं उसमें डाल दें और उसके बाद आधा कंबल को पहले डाल करके भिगा लें और उसके बाद वो भिगा हुआ कंबल अब बगल वाला में डाल दें क्योंकि अगर आप डाल करके इस तरह से मशीन चलाएंगे तो फिर सारा कंबल को वो अपनी ओर खींचेगा इसलिए ये करना ज़रूरी रहता है जब भीग जाए तो उसे ड्रायर में डाल करके सेट कर दे और फिर आधा कंबल को इसमें डाल करके और वॉशिंग मशीन को चालू कर दे और जितनी भी देर तक इसे चालू करके या थोड़ा देर तक चलाएँगे तो क्या है कि जो भी गंदगी है आपका सारा निकल जाएगा और आराम से धुल जाएगा देखिए कितना गंदा इसमें से निकल रहा है और इस तरह से हाथ से धोने से क्या होता है कि ना तो हम लोग धो पाते हैं और वज़न इसका बढ़ जाता है भींगने से तो हम लोग आराम से धो भी नहीं पाते हैं तो इसी तरह से देखिए इसे बहुत देर तक मैं चलाई हूँ करीब बीस मिनट तक और उसके बाद फिर से इसमें से निकाल करके इधर कर ले रही हूँ और जो इधर डाला हुआ आधा जो कंबल है उसमें फिर से उसमें सेट कर दूँगी और फिर से इसे मशीन को चला दूँगी और इस तरह से चला करके और सेट करके रख दूँगी फिर से इधर का भी कम्बल जो बाकी है वो भी धुल जाएगा तो देखिए इस तरह से फिर से मैं निकाल रही हूँ इसमें से बस थोड़ा सा इस तरह से पलटने में ही परेशानी आती है नहीं तो आ, बहुत ही आराम से एक कंबल धुल जाता है तो इस तरह से आप लोग सेट कर लें और उसके बाद जो कंबल बचा है इधर डाल करके और उसे भी चला करके मशीन को छोड़ दें और 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट तक आप इसे चला करके छोड़ दें और आराम से इसे चलने दें और ये देखिए इस तरह से इधर का भी जो कंबल है वो भी आराम से चल जाएगा और इस तरह से सारा गंदगी देखिए कितना गंदा इसमें से निकल रहा है और मशीन में जब पानी कम हो जाए तो थोड़ा और भी पानी ऊपर से डाल दे और इसी तरह करते हुए इसे धोना है और देखिए मेरा जो है ये चल चुका है और अब, अब मैं क्या करूँगी कि ये पानी जो गंदा है उसे ड्रेन करके निकाल दूँगी और उसमें पानी भर दूँगी बस इसी में खंगल जाएगा जैसे धो धुला जाएगा और बार बार गंदा पानी को ड्रेन कर देना है और अच्छा पानी को इसमें डाल देना है और इसी तरह से उलट पलट करके और इसे धो लेना है और उसके बाद मशीन में ही रख करके उसका पानी गिरने देना है कम्बल को और इसी तरह से आप आसानी से अपना कंबल धो सकते हैं तो फ्रेंड ये तरीका आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय